Hello everyone, how are you? I hope you are doing great. This is Tasaw Dusan and welcome back to my YouTube channel, Tasaw Tech. If you are new to this channel, please do subscribe. So in this video, I'm going to explain about how to book the appointment for istikdam. यानी कि अगर आप फैमिली परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके लिए आपको इस्तेमाल जाना पड़ता है, तो इस्तेमाल जाने के लिए आपको उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. तो चलो वो कैसे करते हैं. दिस इज़ वेरी इजी एंड फॉर दिस पर्पस यू शुड हैव अपसर अकाउंट. ओके, ये अपसर अकाउंट क्या है? अगर आप यहाँ पर सऊदी अरेबिया में हैं तो आपको ये अपसर पे खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है. ओके, अपसर ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ई सर्विस वेबसाइट है जिसमें हर बंदे यानी कि हर एक्सपैट्स, हर नन सऊदी जो सऊदी अरेबिया में है वो खुद के उधर जाके अपसर में खुद को रजिस्टर कराना होता है. एंड दिस इज़ वेरी इजी. और मैं लिंक अपसर का आपको उधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, बस आप उसको क्लिक करो और आप उसको साइन अप कर लो. ठीक है, आपका वो अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर वो सब वहाँ पर मांगेगा. ओके, तो यहाँ पर अपसर में जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी टास्क है वो हम लोग हमेशा अपसर के थ्रू करते हैं, चाहे वो आपका अकामा से रिलेटेड हो, चाहे आपका व्हीकल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या कोई फाइन से रिलेटेड हो, या जैसे आपको कोई अपॉइंटमेंट लेना है चाहे मूफा में या चाहे इस्तेमाल में, किसी तरह का भी अपॉइंटमेंट अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपको अपसर का इस्तेमाल करना पड़ता है. और भी अपसर में काफ़ी 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 अलग अलग फीचर्स है. इवन अपसर में आपका आईडी वहाँ पर मिलेगा आपको, अगर आपका अकामा या ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सारे चीज़ उधर अवेलेबल होता है एज ए डिजिटल फॉर्म में. तो ये मैंडेटरी है फॉर ईच वन. अगर आपके पास अपसर अकाउंट नहीं है तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा. रजिस्टर करने के बाद आप इसको लॉगिन करिए. लॉगिन जब आप करते हो तो आपके आपके पास एक मोबाइल पे पासवर्ड आता है. ये मोबाइल ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप इसको ऐड करते हो. तो मेरे पास ये आ चुका है और मैं इसको लॉगिन किया हूँ. ओके, आई थिंक ओके, ये ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है और मैं अब इसको पासवर्ड मेरे पास आया है, मैं अब ये पासवर्ड डाल के मैं इसको लॉगिन करता हूँ. ये जब लॉगिन हो गया है तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस यानी कि द फर्स्ट टाइम अगर यू आर गोइंग टू लॉग इन दिस तो आपका ये होम पेज आएगा. ओके, होम पेज में सिंपल सा ये अपॉइंटमेंट सेक्टर में आप जाओ. ओके, अपॉइंटमेंट सेक्टर में जाने के बाद ये एक्सपैट्स एक्सपैट्स अफेयर में जाओ, देन प्रोसीड टू द सर्विस. ओके, वेलकम टू द इस्तेमाल अपॉइंटमेंट सर्विस. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, प्रोसीड टू सर्विस. अब यहाँ बुक एन अपॉइंटमेंट आएगा. अगर ऑलरेडी आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया है तो ये आपको यहाँ पर ये दिखाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है. तो मैं बुक न्यू अपॉइंटमेंट कर, जब आपने बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक किया तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगा. ये सारे अरबी में है और आप इसको चाहेंगे तो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं. तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहला वाला, अगर आप हाउसमेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं हाउसमेट वीज़ा के लिए तो आप पहले में क्लिक करो. ये सेकेंड वाला आपका परमानेंट फैमिली वीज़ा के लिए और थर्ड वाला आपका फैमिली विजिट वीज़ा के लिए. ओके, और सिंपली यहाँ पर आप रीजन सेलेक्ट करो कि आप किस जगह से हैं. ओके, जद्दा, मक्का, मदीना, रियाद, कौन से सिटी से है. तो फिलहाल मैं, अगर मैं जद्दा में हूँ तो मैं जद्दा का यहाँ ऑप्शन लेके चल रहा हूँ. तो जद्दा किस रीजन में आता है? मक्का रीजन में आता है. तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ. ओके, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि ये एक सिटी सेलेक्ट हुआ है जद्दा. ओके, क्योंकि मैं जद्दा में हूँ और जो मक्का का जो इस्तेमाल ऑफिस है वो आपको जद्दा में मिलेगा. तो मक्का एक रीज़न हो गया. तो मक्का के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे सिटी है बट इस्तेमाल ऑफिस ओनली इन जद्दा अवेलेबल. ओके, नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन दिस सेलेक्ट ऑप्शन. ओके, इन द सेलेक्ट ऑप्शन आपको ये टाइम एंड डेट देगा कब से ये खाली है. लाइक ओके, टुडे, अगर टुडे ऑलरेडी टाइम खत्म हो गया. ओके, फिर भी ये 8 तारीख नहीं, ये देखिए आज का डेट अगर मैं बताऊं तो आज हो रहा है 7th of August. ओके, लेकिन ये देखिए ये 20th of August को एक अपॉइंटमेंट यहाँ पर है, स्लॉट खाली है. इस तरीके से आप अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप ले लो. और उस जैसे मैंने, चलो मैं सेलेक्ट करता हूँ ये 11 AM को जाने के लिए. ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पर आप देखो पूरा आपको रिक्वायरमेंट दे दिया है. ठीक है, ये अरबी में आएगा, आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो. ओके, तो ये सारा चीज़ आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, परमानेंट फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हो. तो परमानेंट फैमिली वीज़ा के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए. ओके, इसको आप वेरीफाई कर लेना कि ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है. और देन कन्फर्म अपॉइंटमेंट डिटेल, जब आप एक कन्फर्म करोगे
तो उसके बाद आपके पास एक आपका जो एप्लीकेशंस है उसको डाउनलोड करने का, सॉरी जो आपका जो जो अपॉइंटमेंट पेज है वो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करिए, और जब आप इंस्टाग्राम जा रहे परमानेंट फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास जो भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट को रख के आप इंस्टाग्राम ऑफिस पहुँच जाइए। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट टू द इंस्टाग्राम ऑफिस फॉर टू अप्लाई फॉर द फैमिली परमानेंट वीज़ा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और एक काफ़ी ईजी प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर हु रिक्वायर सच सच इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बी सेफ।